गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो वेरी वेल। चलिए आ जाइए फटाफट पहले सभी लोग। तो देखो बच्चों, हम लोग आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉरेस्ट इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, अबाउट द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो चलो सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक जो हमने क्लासेस कवर की हैं, उसमें हम इंडिया का फिजिकल देख चुके हैं, इंडिया क्लाइमेट देख चुके हैं, इंडिया की रिवर्स देख चुके हैं। तो अब बचता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट या वन, ठीक। अब देखिए फॉरेस्ट क्या होता है बेसिकली, आज की परिभाषा फॉरेस्ट की कुछ और है। फॉरेस्ट आज प्रोटेक्टेड एरिया बन गए हैं। जय हिंद। आजकल फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, मानवों से उनको बचाया जाता है। अगर हम इंडिया का मैप देखें पुराने टाइम में, जब इंडिया में पॉपुलेशन नहीं रहती थी, ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी मानवों की, तो आप मान के चलिए पूरे भारत में सिर्फ जंगल ही जंगल तो होगा। द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में क्या होगा, सिर्फ जंगल ही जंगल तो होगा हर जगह। जैसे जैसे हम लोग ज्यादा आते गए, मानवों की संख्या, यस चलिए, तो मानवों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगल गायब होने लगे। तो हमने क्या कर दिया, या गवर्नमेंट ने क्या किया, जंगलों को बचाने के लिए और जंगली जानवरों को बचाने के लिए हमारे से बनाने शुरू किए कुछ प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ संरक्षित क्षेत्र। वो एरिया जहां पे नेचुरली आज फॉरेस्ट है, उसको प्रोटेक्टेड कर दिया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या राज्य सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेस्ट आर नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रणाम। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, ज्यादा ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, भारत में आज की डेट में लगभग 677 प्रोटेक्टेड एरिया है। 677 इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, गुड इवनिंग। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सरकार ने जो एरिया प्रोटेक्टेड किए, उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जो कैटेगरीज हमें पढ़नी है, सबसे बड़ी कैटेगरी दैट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज द नेशनल पार्क। तो हमने जंगलों को बना दिया नेशनल पार्क। फिर इन किसी जंगलों में, इन्हीं नेशनल पार्क्स में, किसी जंगलों में टाइगर्स ज्यादा मिलते हैं, तो उसे हम कह देते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर्स को बचाने के लिए बना दिया टाइगर रिजर्व, ठीक। अगर वहां पर कोई झील है, उस एरिया में कोई झील है किसी जंगल में, और वहां पर खूब सारे पक्षी आते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ, सॉरी बर्ड सेंचुरी, दैट इज नोन एज द बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी। तो बेसिकली नेशनल पार्क को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, टाइगर रिजर्व बना दिए, नेशनल पार्क को ही बर्ड सेंचुरी बना दिया, बहुत तरह की कैटेगरी है। तो हमसे ये कैटेगरीज पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में लगभग 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है,
इंडिया है 50 टाइगर रिजर्व, तो आपको उन टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, जंगल को सरकार प्रोटेक्ट करती है और उसको अलग अलग कैटेगराइज वाइज कर देती है, डिवाइड। और कहीं पर शेर बचाए जाते हैं, कहीं पर गेंडे पाले जाते हैं, कहीं पर बर्ड सेंचुरीज हैं, तो हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको पढ़ना है। यस, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, तो हमें बेसिकली पढ़ना तो नेशनल पार्क ही है, फर्स्ट कैटेगरी। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक, दुनिया में बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है यूएन के अंडर में, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, उस कैटेगरी के अंतर्गत आती है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या होते हैं हम देखेंगे, जंगल का एक टाइप है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे ही पूरी दुनिया में झीलों को बचाने के लिए, लेक्स को बचाने के लिए बनाई गई है रामसर साइट्स, रामसर। ठीक है, रामसर एक सम्मेलन हुआ था ईरान में, तो वहीं से नाम उठा लिया रामसर। इन्हें कहते हैं रामसर साइट्स, दे आर बेसिकली फॉर लेक्स, झीलों को बचाने के लिए। तो इन दो तीन कैटेगरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ये नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, लिस्ट वाइज हर साल आपके एग्जाम में होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। तो हमें अलग अलग कैटेगरीज पढ़नी है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र। ओके, तो 1971, किसी ने एक आंसर दिया, वेरी गुड। 1971 में एक प्रोग्राम चला था यूनेस्को का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किए जाने लगे, और इंडिया में आज ये लिस्ट, मैप पर लिस्ट बना रखी है मैंने, मैप पर मार्किंग है बायोस्फीयर रिजर्व की। थोड़ा मैप का पिक्सल ठीक नहीं लग रहा, आई थिंक सो। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व, अगर इस कैटेगरी की हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो मैंने बताया 1971 में इस कैटेगरी को लाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व को, और इस समय इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बाय द यूनेस्को, ठीक, और इस समय इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट याद होनी चाहिए, यू शुड रिवाइज द 18 बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, गुड, ठीक है, तो याद रखेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से हैं जरा उनको देखते हैं वन बाय वन, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या उनका नाम है, दैट इज कैटेगराइज। अगर हम बात करें सबसे नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के, तो इंडिया के नॉर्थ में एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां पर है कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश कश्मीर का जो एरिया है वहां पर है कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया था इंडिया में जो आपका लद्दाख का एरिया है, दैट इज ऑल्सो ए कोल्ड डेजर्ट। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले नंबर वन, ग्रेट निकोबार,
फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज ग्रेट निकोबार, इंडिया के सबके साउथ में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित, इट इज ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। बहुत जल्दी आकांश राजपूत। चलिए पहला है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये समझ में आ रहा हो ग्रेट निकोबार कहां पर है? इट इज अंडमान निकोबार आइलैंड पर। ग्रेट निकोबार एक आइलैंड भी है अपने आप में, तो वहां ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये भारत का तीसरा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडियाज थर्ड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में और भी बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत छोटे हैं, जो जैसे सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिब्रू सिखोवा। उसके बाद नंबर टू आता है नॉकरेक, नॉकरेक एंड द लास्ट वन इज अंडे ग्रेट निकोबार। ये भारत के सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? ये भारत के दो सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको इनके नाम पते होने चाहिए। थैंक्स अलॉट। चलिए ओके, तो याद रखेंगे ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार नाम सुना होगा, मन्नार की खाड़ी, कहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार? यस, मैंने बताया था, गुड इवनिंग एवरीवन, ये गल्फ ऑफ मन्नार कहां है? गल्फ ऑफ मन्नार की, गल्फ ऑफ मन्नार का मैंने बताया हुआ आपको, इंडिया के साउथ में भारत और श्रीलंका के बीच जो ये वाटर बॉडी है इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ मुन्नार। इट इज ए वाटर बॉडी, मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पानी है उसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके बारे में देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। हमने दो बायोस्फीयर हैंड टू हैंड कर लिए, सबसे छोटे तीन और ये सेकेंड सबसे बड़ा है। नंबर वन पे आता है कच्छ, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में ये शामिल है, कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध, इट इज फेमस फॉर कोरल रीफ। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं और इसमें दूसरे नंबर पे आता है मन्नार की खाड़ी। पहला हमने किया ग्रेट निकोबार, जानवरों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए इनको बनाया गया है। तो यू शुड रिवाइज द लिस्ट, ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, और सबसे बड़ा जो है उसका नाम है कच्छ, कच्छ, ठीक। तो ये है आपका सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम इंडिया के साउथ से आना शुरू करें तो सबसे पहला बायोस्फीयर हमने किया ग्रेट निकोबार, देन हम कर रहे हैं गल्फ ऑफ मुन्नार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कच्छ इज द बिगेस्ट, कच्छ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर है कच्छ का एरिया जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, जैव आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट आइए अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई ये इंडिया का एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है और ये वेस्टर्न घाट में है, इट इज इन वेस्टर्न घाट। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको,
चलिए नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अगस्त्य मलाई ये वेस्टर्न घाट में है। चलिए ठीक है, वेस्टर्न घाट में सबसे दक्षिणी भाग में केरल में है। दैट इज द क्वेश्चन, वेयर इज द अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज इन केरल। इट इज इन केरल। यस, इंग्लिश में मिल जाएगा बच्चे पीडीएफ। पीडीएफ मेरे बाय लैंग्वेज होते हैं, जस्ट वेट किया कीजिए। ठीक है, तो ये आपका अगस्त्य मलाई, आपसे पूछा जाता है कौन सा बायोस्फीयर कहां पर है। नेक्स्ट आता है नीलगिरी, ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। इट्स नीलगिरी। नीलगिरी ठीक, नीलगिरी जो है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इट इज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र। इट इज द नीलगिरी। ठीक, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु एरिया में ये फैला। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु तीन स्टेट में फैली है नीलगिरी हिल्स, और वहीं पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये यूनेस्को की, नीलगिरी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, यस, 1970 रामसर समिट, जरूर। चलिए नीलगिरी, तो हमने अब तक कौन कौन से बायोस्फीयर पढ़े? सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार, देन हम आए मन्नार की खाड़ी के बाद ग्रेट निकोबार, उसके बाद अगस्त्य मलाई, और अब नीलगिरी। ये नाम आपको याद रखने हैं, कौन से बायोस्फीयर कौन से स्टेट में है। अब देखिए नीलगिरी वाला जो एरिया है, उस एरिया में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली एक फॉरेस्ट है, वो बहुत फेमस है। साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन नीलगिरी हिल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट ही है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, बिट फैक्चुअल क्लास टुडे। नेक्स्ट, इसके बाद है सिमलीपाल। अगले बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है सिमलीपाल, दैट इज सिमलीपाल। ठीक, सिमलीपाल जो है ये आपका उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बेसिकली ये जंगल होता है। ठीक, सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल एक नेशनल पार्क भी है। यहां पर टाइगर मिलते हैं, इसलिए टाइगर रिजर्व भी है ये टाइगर रिजर्व भी है। और तीसरी कैटेगरी इसकी बायोस्फीयर भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो सिमलीपाल इज इन बेसिकली थ्री कैटेगरीज। और यहां से जो नदी निकलती है इस एरिया से, द रिवर विच क्रॉसेस थ्रू सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से जो नदियां निकलती हैं उनमें इंपॉर्टेंट है वैतरणी, वैतरणी नदी यहां से क्रॉस करती है। ठीक, इट इज अ इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राह्मणी। ये ब्राह्मणी नदी हमने की थी महानदी की सहायक नदी के रूप में। ठीक है, तो ब्राह्मणी इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी, और ब्राह्मणी की ट्राइब्यूटरी है बैतरणी। तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से क्रॉस करती है। ओके, चलिए तो याद रखेंगे इसको, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर, तीनों कैटेगरी में आता है सिमलीपाल। पेपर में पूछ सकते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में, सो डोंट कंफ्यूज। वो बायोस्फीयर भी है बेसिकली जंगल, बड़ा जंगल नेशनल पार्क, उसके एक एरिया में टाइगर, एक एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व, एरिया पूरा सिमलीपाल कहलाता है। चलिए, तो मिक्स मैच होते हैं ये। अगला है सिमलीपाल के बाद सुंदरबन, ये नाम आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नदियां बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर इसको बनाती है सुंदरबन डेल्टा को, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर इसको बनाती है। तो इसका जो इंडिया में पार्ट है,
द पार्ट फेमस इन इंडिया, वहां पर मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, इट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। पीडीएफ आपको मिलेगी बच्चा एग्जामपुर की जो ऑफिशियल ऐप है उस पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री कोर्सेज में। चलिए सुंदरबन में कौन सा मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नौक्रेक, अगले बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नौक्रेक। तो नौक्रेक की बात करें तो मेघालय में गारो हिल्स में है, याद आ रहा है कुछ, मेघालय में मैंने करवाया था आपको गारो खासी जंतिया। इंडिया का मैप देखें अगर, यहां पर तीन पहाड़ियां हैं, गारो खासी और जंतिया, ठीक है, तो इन्हीं हिल्स पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए यहां पर फॉरेस्ट कवर भी है, और यहीं पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नौक्रेक, नौक्रेक। तो याद रखेंगे नौक्रेक, मेघालय के गारो हिल्स में राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है ये, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इट इज ए नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व बोथ। ओके यस, तो कौन सा स्टेट आ गया ये मेघालय में, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है नौक्रेक कहां पर है, वेयर द नौक्रेक इज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा, क्वेश्चन करवाए थे मैंने इससे, मानस, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इस साल न्यूज में भी रहा है ये मानस टाइगर रिजर्व। बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने नदियां करवाई थी तो उसमें ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी बताई थी, एक रिवर थी ब्रह्मपुत्रा की सहायक, ठीक, और उस नदी का नाम था मानस। देखिए क्या है इंडिया का मैप, यहां पर मान लीजिए आपका सिक्किम, भूटान, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आ गया आपका, ठीक, तो होता क्या है, भूटान से एक नदी निकलती है, भूटान से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है मानस, इस नदी का नाम है मानस, और मानस नदी जो है वो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, यहां से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में आती है और ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है मानस, इस पर बना हुआ है एक ये बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन ये अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है, मानस एक टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इट इज अ बायोस्फीयर एंड टाइगर रिजर्व। तो न्यूज में जो था वो बेसिकली टाइगर रिजर्व को लेके था, गुड, तो एक बार क्लास को शेयर कीजिए, बहुत अच्छी न्यूज बताने जा रहा हूं, इंडिया को एक प्राइज मिला है और करंट न्यूज में पूछा जाएगा। यस, ठीक है, तो ये तो मानस है, अब लोग कह रहे हैं कि मानस कहां पर है, असम में, गलत, इट्स रॉन्ग, मानस नदी कहां से निकलती है, भूटान से, क्लियर, और मानस नदी एंटर कहां करती है इंडिया में, बंगला ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी असम में, तो इन दोनों एरिया में जंगल है, इन दोनों एरिया में फॉरेस्ट है, भूटान और असम, और भूटान से असम और असम से भूटान, शेर आते जाते रहते हैं, ये शेर आपस में आते, टाइगर्स आपस में आते जाते रहते हैं। अब इन एरियाज में टाइगर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रयासों के कारण, ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोल, यहां पर टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, लगभग डबल, तो इंडिया को यहां पर एक प्राइज मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भूटान वाले एरिया को, दोनों को मिलाकर एक प्राइज मिला। तो याद रखेंगे दो कंट्रीज में है मानस, नदी कहां से आती है, आपके भूटान से, तो क्वेश्चन आ सकता है मानस नदी से, क्वेश्चन पूछे कि मानस किसकी सहायक, ये पूछ सकता है मानस कहां से निकलती है, मानस टाइगर रिजर्व कहां है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां है,
और इसको क्या मिला है? प्राइस। अब ये प्राइस किसने दिया? यस, ओके। बहुत सारे टीचर जो हैं आज आगरा में ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है और वहां पर थोड़ा सा इशू आ गया था, आपके क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, किसी कारण से। कल से क्लास परमानेंट हो जाएगी आपकी, ओके। चलिए, तो याद रखेंगे यहां पर एक प्राइज मिला, एक ऑर्गेनाइजेशन है WWF। अब ये रेसलिंग करने वाली नहीं है, WWF रेसलिंग वाली नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है, वाइल्ड जानवरों के लिए एक फंड क्रिएट करे गए, उसने एक प्राइज दिया कि भारत ने बहुत तेजी से यहां पर टाइगर्स की संख्या को बढ़ाया है, इसीलिए इंडिया को प्राइज दिया गया मानस को। एक प्राइज और मिला इंडिया को इसी के द्वारा, उस प्राइज का नाम है TX2 प्राइज। ये मिला है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, यूपी को। यहां पर भी टाइगर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, गुड, ओके। चलिए, ये ज्योग्राफी की क्लास है एंड करंट इवेंट इंक्लूड। तो मानस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में है, ठीक है। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या इस टाइगर रिजर्व को प्राइज मिला, किस लिए? टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, गिवन बाय आर ऑर्गेनाइजेशन नेम WWF। तो हम करंट इवेंट में ज्यादा देखेंगे, तो हम बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं, उसका नाम है मानस। चलिए मानस के बारे में पढ़ते हैं। मानस नदी असम में, ठीक है, असम के अंदर है ये टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बता चुका हूं मैं, ये नेशनल पार्क भी है। तो मैंने बताया एक ही जंगल कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इट कैन बी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व, ठीक। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इट इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यस, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो आपने देखे अभी तक, लेट मी एक्सप्लेन यू, अभी तक जो बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखे हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू साउथ नॉर्थ देखा है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का सबसे साउदर्न बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ये हम कर चुके हैं सबसे साउथ में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ मुन्नार, ये इंडिया का दूसरा बायोस्फीयर है जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा और नॉर्थ में जाएंगे तो अगस्त्यमलाई, ये कहां पर था? केरल में। इसके बाद हमने पढ़ा नीलगिरी आपका तीन स्टेट में था, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यस, ओके। या पिक्सल फट रहा, आई नो दैट। चलिए इसके बाद हम पहुंच गए सिमलीपाल, मेरा आया हम सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन, नॉकरेक मेघालय वाला, और अब आगे मानस, दिस इज द मानस लोकेशन, ठीक है। इतने हमने कर लिए, टोटल बायोस्फीयर 18 है। तो आपको उनके स्टेट के बारे में पता होना चाहिए या कुछ वहां पर इंपॉर्टेंट हुआ हो, दैट इज द न्यूज, ये पूछा जाता है। तो एक बार क्लास को और लगा के शेयर कर दो फटाफट, यस। चलिए क्लास को पहले दबा के शेयर और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, और अगला देखते हैं हम, दैट इज दिहांग देबांग। अगले बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है देहांग दिबांग, ये किसके नाम है?
दिहांग दिबांग का भी नाम सुना है, ये नदियों के नाम है। यस, नेक्स्ट आएगा दिहांग दिबांग या दिहांग देबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। यस, गुड इवनिंग। थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है, आई नो दैट। चलिए, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, और ये नदियां हैं दिहांग दिबांग नाम से, दिबांग और सियांग। ब्रह्मपुत्रा नदी जब इंडिया में आती है तो ये नदियां उनसे मर्ज होती हैं, ठीक है, सियांग नाम। अब याद रखेंगे यहां पर, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। इट इज नोन एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये टर्म भी आपसे पूछी जाती है, द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये, देखो आप ये जानते हैं, मैंने करवाया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, भारत की जलवायु में, कि यहां पर इंडिया के वेस्टर्न घाट माउंटेन है। बेसिकली इट इज वेस्टर्न घाट माउंटेन, और यहां पर आपके हैं पूर्वांचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय कहते हैं इसको, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ऐसी माउंटेन अराकान योमा म्यांमार में। तो ये जो तो पहाड़ियां हैं, और यहां पर है हिमालय की लोकेशन। अब इनका रोल देखिए क्या है, व्हाट इज द रोल, ये आपका हिमालय माउंटेन है। अब देखिए क्या होता है, इंडिया में जितनी भी बारिश होती है, सारी बारिश का मैक्सिमम पार्ट वेस्टर्न घाट रोक लेता है। भारत में होने वाली बारिश का काफी बड़ा हिस्सा वेस्टर्न घाट रोक लेता है, तो इन एरियाज में बारिश ज्यादा होगी, यहां बारिश ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे, वेस्टर्न घाट में अच्छे खासे फॉरेस्ट होंगे, ज्यादा जंगल होंगे, यहां पर जंगली जीव भी होंगे। तो जिस एरिया में जंगली जीव और पौधे ज्यादा संख्या में होते हैं, उनकी प्रजातियां ज्यादा होती हैं, उन्हें हम कहते हैं हॉटस्पॉट, दे आर नोन एज द हॉटस्पॉट, तप्त स्थल। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यस, ओके, देखिए हॉटस्पॉट का मीन क्या हो गया, बेसिकली हम हैं मानव प्रजाति के, अगर हम बहुत सारे मानव एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ठीक, तो हम वहां पर एक ही प्रजाति हैं, दैट इज मानव, देयर इज ओनली अ सिंगल स्पीशीज, दैट इज नोन एज ह्यूमन, ठीक है, या होमो सेपियंस। तो हम क्या हैं, एक ही प्रजाति हैं, लेकिन एक इलाके में जंगल में पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, द मैक्सिमम स्पीसीज, और जानवरों की भी ज्यादा प्रजातियां मिले, उसे हम कह देते हैं हॉटस्पॉट। तो एक हॉटस्पॉट सबसे बड़ा जो है, दैट इज वेस्टर्न घाट, और दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट दैट इज ईस्टर्न हिमालय, ठीक। तो इट इज नोन एज, यस, हाँ, कोरोना के भी हॉटस्पॉट हुए थे बहुत सारे, तो याद रखेंगे ये है आपके हॉटस्पॉट, द बिग हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, द मेन हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से जो दिहांग देबांग हम पढ़ रहे हैं, दिहांग देबांग, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो भारत में कई छोटे छोटे हॉटस्पॉट टुकड़ों में बांट दिए गए हैं, उनमें एक इंक्लूड है दिहांग दिबांग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डिब्रू सिखोवा,
डिब्रू सिखोवा, क्लास की स्टार्टिंग से देखिए, बता दिया था बायोस्फीयर क्या होता है मैंने, हरवेंद्र कुमार। चलिए तो अब बात करते हैं डिब्रू सिखोवा। देखिए असम में है ये, डिब्रू असम के अंदर है ये, डिब्रूगढ़ फेमस डिस्ट्रिक्ट है वहां का, तो डिब्रूगढ़ के आसपास के एरिया में ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज ए नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और मैंने आपको एक कैटेगरी पहले बताई थी, जो पहले हम समझ चुके हैं, बताया भी था, ये भारत का सबसे छोटा, इट इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये सबसे छोटा है। तो मैंने आपको बता दिया था जब तीन कैटेगरीज हमने की थी, सबसे तीन छोटे बायोस्फीयर रिजर्व, तो इट इज द स्मॉलेस्ट वन, डिब्रू सखोवा। नेक्स्ट आते हैं अचन कमार अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक। देखो बच्चा, नोट्स जो है बायलैंग्वल होते हैं, बट द मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो वी हैव टू टीच इन हिंदी, ठीक है, एवरी नोट्स इन इज बायलैंग्वल। चलिए अचान कुमार अमरकंटक, ये आपकी मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी हम कर चुके हैं इसको, ये मैकाल पहाड़ी पर है, मैकाल माउंटेन रेंज एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में, एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में, तो दो स्टेट में फैला हुआ है ये बायोस्फीयर रिजर्व, अचन कुमार अमरकंटक। यस, इट्स अ डेली क्लास, यस, स्मॉलेस्ट डिब्रू सिखोवा। और ये क्या है, अचन कुमार अमरकंटक, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दो स्टेट्स में है, और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, बड़ा एरिया जो है छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ है, 68% लाइज इन छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर इसके आगे इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, तो टाइगर रिजर्व हम जो याद करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी, ये इंडिया का टाइगर रिजर्व भी है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो जंगल है गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक, चारों ओर से एक तरह से क्या कर दिया, बाउंड्री बना दी, बाउंड्री मतलब दीवार नहीं खींचते, एक प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं, और इस प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोगों का मतलब ह्यूमंस का जाना बैन होता है, हमारा जाना बैन होता है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे अंदर होता है एक कोर एरिया, ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट या किसी भी कोर एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती बायोस्फीयर रिजर्व में, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यस अलेश, गुड इवनिंग, सो देयर इज नो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, देखिए पंचमढ़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी है बैतू एमपी में, मध्य प्रदेश में, बेसिकली मध्य प्रदेश दो डिस्ट्रिक्ट है बैतूल होशंगाबाद, वहां पर आता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे पंचमढ़ी हिल्स या महादेव हिल्स का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ महादेव हिल्स, याद आ रही है, महादेव सतपुड़ा महादेव मैकाल, ठीक है, मैकाल पे अचन कमर अमरकंटक था और यहां पर आ गया आपका पंचमढ़ी, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एमपी में आ गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सिर्फ नाम याद करना है, व्हाट इज द नेम, कौन सा स्टेट, और अगर कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो हमें होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला आ गया कच्छ, नेक्स्ट कच्छ, कच्छ ये भारत का सबसे बड़ा, इट इज द इंडियाज बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व,
भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। और कच्छ में दो चीजें हैं, देर आर बेसिकली टू थिंग्स, एक होता है, एक है रण ऑफ कच्छ, या किसे हम कहते हैं कच्छ का रण। बेसिकली रण का मतलब होता है डेजर्ट। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान के साथ पाकिस्तान में भी मरुस्थल है, ठीक, तो राजस्थान का जो डेजर्ट है वो गुजरात तक है फैला हुआ कुछ पार्ट, तो ये है कच्छ का रण। और दूसरा है इसमें लिटिल रण, लिटिल रण, ठीक। तो वहां पर दो मरुस्थल हैं, नाम है लिटिल रण और कच्छ का रण। और हमने किया था इसमें कि यहां पर लूनी नदी अपना पानी गिराती है, कच्छ के रण में लूनी नदी अपना पानी फ्लो कर देती है, जिसके कारण ये डेजर्ट जो है वो दलदल में बदल जाता है चार पांच महीने के लिए, और बाकी सीजन ये व्हाइट कलर की जमीन बन जाती है। तो कहते हैं सीजनल व्हाइट मार्शलैंड, कच्छ का रण सीजनल व्हाइट मार्शलैंड, सफेद मौसमी दलदल। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कच्छ का एरिया, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड एस सेंचुरी है, यहां पर जंगली गधा पाया जाता है इस एरिया में, इट इज फेमस फॉर वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधे के लिए, ठीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी इन उत्तराखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीक है नंदा देवी, ये नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये फेमस है अपनी, ये इलाका फेमस है अपनी फूलों की घाटी के लिए, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। पीडीएफ आज ले लीजिएगा, मिल जाएगी, पिछली पीडीएफ आ चुकी है। ओके चलिए, नंदा देवी, उसके बाद नेक्स्ट एक है खेमचुंग जुंगा, खेमचुंग जुंगा, या ऐसे कंचनजंगा भी कहते हैं, खेमचुंग जुंगा या कंचनजंगा, अजीब सा नाम है थोड़ा सा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम में। कंचनजंगा भारत की एक ऊंची चोटी है जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, ठीक है, उसी तरह का नाम है इसका खेमचुंग जुंगा या कंचनजंगा, ठीक। ये नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है सिक्किम के एरिया में, सिक्किम के एरिया में। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये बर्फ से ढका रहता है, कोल्डेस्ट है और बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि तो यहां पर मिलते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर्स आर फाउंड, ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फ जमती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। और इस एरिया में जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है वो है जेमू ग्लेशियर, जेमू। आप सभी ने सियाचिन का नाम सुना होगा, बियाफो, बाल्टोरो, ये कश्मीर लद्दाख के एरिया के ग्लेशियर हैं, लेकिन जेमू जो ग्लेशियर है वो सिक्किम के एरिया में है और कंचनजंगा के एरिया में आता है। यस, हाँ कंचनजंगा कहते हैं इसको। वहां के तिब्बती भाषा में, या कहा जाए तो नेपाली भाषा में, या वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वहां पर उसको कहते हैं खेमचुंग जुंगा, बट द रियल नेम जो हम जानते हैं दैट इज कंचनजंगा। तो याद रखेंगे बर्फ से ढका हुआ है और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जेमू। और यहां पर जो जानवर मिलते हैं बेसिकली वो है हिमालयन थार, हिमालयन थार, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। तो ये फेमस है इन दो जानवरों के लिए, इंपॉर्टेंट स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन थार।
और नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। और याद रखेंगे मैंने बताया था लद्दाख और हिमाचल का जो ये एरिया है, दिस एरिया ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल, यहां पर बारिश नहीं होती, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, कोल्ड डेजर्ट। तो हमने बात की थी इस बारे में, बारिश की बात चल रही थी तो बारिश ही देख लेते हैं। इंडिया, और यहां पर एक माउंटेन है दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, ग्रेट हिमालय, ये दुनिया का सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है ग्रेट हिमालय, इसी में आपका कंचनजंगा आता है, इसी में आपका माउंट एवरेस्ट आती है। तो होता क्या है, जो हमारा इंडियन मानसून है वो इस माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाता, इस माउंटेन को वो क्रॉस नहीं कर पाता मानसून, तो इसके पीछे एरिया में बारिश नहीं होती, लेस और नो मानसून रेनफॉल, यहां बारिश नहीं हो पाती, इसलिए बन गया ये डेजर्ट। तो इंडिया में दो डेजर्ट हैं, एक ठंडा और एक गर्म, राजस्थान वाला। ओके, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे तो पहले एक बार क्लास को दबा के लाइक कर दीजिए एंड ट्राई टू शेयर इट थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक एंड एवरी मैटर, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त यहां पर जुड़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कोल्ड डेजर्ट हो गया, यहां पर बारिश नहीं होती और ये हाई एल्टीट्यूड पर है, ऊंचाई पर है, तो वहां पर क्या है, थोड़ी बहुत बर्फ जम जाती है। तो याद रखेंगे इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, उसी नाम से है ये नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में है और मानसून से प्रभावित नहीं होता। एंड द लास्ट वन, शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक आंध्र प्रदेश में है ये आंध्र प्रदेश में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूर्वी घाट के इलाके में है, इट इज बेसिकली इन द ईस्टर्न घाट, इट इज बेसिकली इन द ईस्टर्न घाट। इंडिया का मैप देखोगे वहां पर आप एक एक चीज को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा 18 की लिस्ट को याद करना, ठीक है। ये आपका है शेषाचलम और इट इज द लेटेस्ट वन। चलिए थैंक्स अ लॉट। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व, कल करेंगे नेशनल पार्क एंड बाकी कैटेगरी को। थैंक यू, जय हिंद।